आज का ये वीडियो जो है वो मैं किसी भी चीज़ को हम दोबारा से कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और उसकी खूबसूरती को एनहांस कैसे कर सकते हैं ये मैं यहाँ बताना चाहती हूँ। ये एक पॉट है जो कि कांच का है और इसमें मैंने मनी प्लांट लगाया था। ये जो स्टैचू है ये एक गिफ्ट में आई थी और इसमें नीचे एक बेस था लकड़ी का जो कि वो उसे डिटैच होके और वो कहीं मिसप्लेस हो गया था। मैंने सोचा क्यों ना इसको यहाँ पर इस पॉट में डेकोरेट कर दिया जाए, इस पौधे की, मनी प्लांट की और इस पॉट की दोबारा से खूबसूरती में एडिशन हो जाएगा। और धीरे 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 ये मनी प्लांट देखिए कितना बड़ा और कितना घना हो गया है। गणेश जी जो हैं वो यहाँ बहुत खुश रहते हैं। एक बार मैंने सेंटर टेबल पे उठा के इनको डेकोरेट कर दिया था यहीं वेरेंडा में, तो इनके पत्ते मुझे नहीं समझ में आया क्यों सूखने लग गए और दोबारा से जब मैंने इनको यहाँ पर रखा तो फिर से ये ग्रीन हो गए। ये मेरे आरओ का जो फिल्टर होता है, फर्स्ट फिल्टर, उसका ये कैंडल है और इस कैंडल को मैंने यहाँ पर दोबारा से यूटिलाइज कर लिया है। इसको इसमें क्योंकि काफ़ी पानी एब्जॉर्ब रहता है इसमें मैं पानी डालती रहती हूँ और काफ़ी देर तक इसमें पानी रहता है, फेंकने के बजाय मैंने इसको यूटिलाइज कर दिया है। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये हमारा मनी प्लांट प्लस साथ में जो गणेश जी का स्टैचू है। इन्होंने इस मनी प्लांट की और इस पॉट की खूबसूरती को बढ़ा दिया है। मुझे ये बहुत सुंदर लगते हैं। टाइम टू टाइम मैं इस टाइप के बहुत सारे वीडियोस बनाती रहूँगी कि हम अपने घर को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को दोबारा से रीअरेंज करके, तरह तरह से उनको डेकोरेट करके, जगह जगह पे डेकोरेट करके। और साथ में क्या होता है कि हम खुद भी बिज़ी रहते हैं, क्योंकि आज मुझे यहाँ का वीडियो बनाना था इसलिए मुझे यहाँ की पूरी डस्टिंग करनी पड़ी। नाउ यू कैन वेल इमेजिन कि एक वीडियो बनाने के लिए मुझे यहाँ की हर चीज़ को साफ करना पड़ा, तो ये कोना मेरा साफ़ हो गया। वास्तु के हिसाब से भी आपके किसी भी कोने में डस्ट नहीं होनी चाहिए और कोशिश रहनी चाहिए कि अगर आप इनको साफ़ करते रहें, डस्ट प्रूफ रखें। और क्योंकि ये मेरे घर की एंट्रेंस है, मेरे मेन घर के अंदर जाने की जो एंट्रेंस है, यहाँ पर इनका आशीर्वाद बना रहता है मेरे ऊपर और हर तरह से ये मुझे सुकून, शांति और प्यार भरा समय दे रहे हैं। धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए और इसको अप्रिशिएट करने के लिए। आगे भी मैं इसी तरह से बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी और मैंने कैसे कैसे अपने घर की किन किन चीज़ों को कैसे डेकोरेट किया है, कैसे मैंने बनाया है, जो मेरी हॉबीज़ हैं उनको। और इन सब चीज़ों से क्या होता है कि हम लोग बहुत बिज़ी रहते हैं, हमें इधर उधर कहीं गॉसिप नहीं करना पड़ता और हमारा टाइम भी बचता है, हम बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखते हैं। एक छोटे से काम को करने के लिए हम इसमें रिनोवेशन करेंगे, उसमें चेंजेस लाएंगे, तो हमारे जो क्रिएटिविटी है वो भी बढ़ती जाती है और समय भी हमारा अच्छा निकलता है। थैंक यू। इसी तरह से आप भी कोशिश कर सकते हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्रिएटिव रहिए, अपने आप को अच्छे कामों में बिजी रखिए। बाय बाय।